जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों 14 तारीख को दिल्ली में जो धरना हुआ था, ये जितना हम सोच रहे थे उससे 100 गुना बढ़िया लगा। हमारे जो जेसीओ जवान के संगठन पूरे देश से, यानी कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेके असम तक, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से हमारे जो है ऑफिस बैरस नहीं आया हो। कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10, लेकिन तकरीबन 50 से ऊपर संगठन एक साथ हुए थे और सभी लोग जो है बहुत सेटिस्फाइड थे। दोस्तों ये शुरुआत है, आगे जाके हमें बहुत काम करना है, इसके लिए हम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितने लोगों वहां पे आए थे, किसी एक से भी हमने कोई एक पैसा नहीं लिया। हमारे दिल्ली वेटरन्स का जो है, हमारे नेवी वेटरन सुरेंद्र पहलवान जी और उनके टीम, उन्होंने सारे खर्चा अपना उठा लिया। दोस्तों हम ऐसे ही चाहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा था कि हम अपने संगठन की ओर से खर्चा कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना किया, कहता कि आप लोग इतनी दूर से आए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। दोस्तों जब हम आंदोलन करेंगे उस टाइम कोई ना कोई तो हमारे मदद करेगा। दोस्तों मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, पिछले 15 दिन से, यानी कि 14 तारीख से ठीक 15 दिन से पहले से एक कीड़ा जो है बार बार एक ही चीज बता रहा था कि ये संगठन, ये जो 14 तारीख का धरना, ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये किसी पार्टी की तरफ कर रहे हैं, ये मतलब जवानों का नहीं है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को गुमराह कर रहा था वो कीड़ा। मैंने बहुत बार कहा था ये कीड़ा है, ये उस कीड़े के बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों 14 तारीख को जो आंदोलन हुआ उसको देखने के बाद वही कीड़ा बता रहा कि सारे संगठनों के साथ बैठ के बात करना। अरे नालायक, तू तो दिल्ली में था, तेरा संगठन दिल्ली में थे, वहां आके बात करना था कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह मतलब संगठन को एक साथ करना है, अब पीछे से क्यों मतलब चुगली कर रहे हो। वो कहता कि मतलब जो दक्षिण से जो आ रहा है वो चोर है, जो दक्षिण से जो मतलब आंदोलन के लिए जो इकट्ठे कर रहा है, भीड़ इकट्ठे करने के लिए जो लेक्चर दे रहा है, वो ऐसा एक चोर है। अगर तू मर्द की औलाद है तो वहां आके बोलना था किसके साथ धोखा किया आपने। कहता कि ये विडो से, एक महाराष्ट्र से विडो से 25,000 रुपए लेके भाग गया। अरे वो बताओ कौन है वो विडो, कहीं वो तेरा रकेल तो नहीं है, बोलो कि कौन है वो विडो, कौन है, क्या है। वही आके सबके सामने मंच पे बोलना था, क्यों नहीं आए, फट रही थी। अब इतना होने के बाद भी अभी भी यही कह रहा, अरे नालायक, ये मेहनत कपिल का मेरा सिर्फ नहीं है, जितने लोगों ने भाग लिया उन सबके संघर्ष है, उन सबके मतलब कोऑपरेशन है। एक आदमी की भोकने से है ना कोई काम रुक नहीं जाता। तुमने तो बहुत कोशिश किया इसको रोकने के लिए, कभी बोला कि मतलब कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, कभी बोला कि जनरल सतबीर सिंह के साथ मिले हुए हैं। अरे हमें क्या लेना देना जनरल सतबीर सिंह से या किसी और से, हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, अपने आप को एक संगठन की जो है जनरल सेक्रेटरी बताते तो शर्म नहीं होती तेरे को। वहां आके पूछना था, कम से कम ये तो सुनना था कि हम क्या बात कर रहे हैं। इतना चिट्ठी, हमने ये चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी लिखा,
आज तक हमें ये चिट्ठी लिखा कि 15 तारीख नवंबर में जो गेसेट नोटिफिकेशन हुआ था, वन रैंक वन पेंशन का जो नोटिफिकेशन जो लेटर जारी किया था उसमें कहीं ग्रुप था एक्स वाई ग्रुप था ही नहीं, उसमें कहीं मतलब रिजर्विस्ट का नाम था, उसमें कहीं मतलब आनरी नायक आनरी हवलदार के बारे में एक भी जिक्र नहीं था। लेकिन जब इन्होंने टेबल बनाया था उसमें कहां से आ गए सर, किसने इनको परमिशन दिया या किससे पूछकर ये सबको डाउनग्रेड किया, इसके बारे में आज तक तुमने पूछा क्या? तुम तो इतना ही जानते हो कि किसी को नीचे दिखाने का, किसी को नीचे दिखाने से दूसरा नीचे नहीं होता, तुम खुद अपने औकात से नीचे गिर गया। ये कहता कि मतलब इनको छोड़ के बाकी सब बनाओ, अब वो खुद आना चाहता है अंदर, अब वो कह रहा कि मतलब हम सब एक साथ बैठ के बात करेंगे और फंड रेज करेंगे। फंड किस लिए रेज करना भाई, जब जरूरत पड़े तो अपने आप हमारे हमारे जो फौजी भाई है 100 रुपए 50 रुपए कैसे ही मतलब 500 1000 ऐसे देने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास, सिर्फ वो देख रहे थे कि ये 14 तारीख को इनका कैसे चलता है। अब 14 तारीख को जो हमारे धरना जब खत्म हुआ तो लोग इतने खुश हो गए थे, कहते कि आगे से हम रेगुलर करेंगे, अब हम उन्हीं को लेंगे साथ जो जवानों के हक के लिए बात करेगा, ऐसे मतलब अफसर के लिए या किसी पार्टी के पक्ष में बात करने वाला ऐसे कमजोर लोगों को नहीं लेंगे। जब सहायक सिस्टम की बात हुआ कहता कि सुबेदार नायब सुबेदार के घर में भी काम करते हैं, अरे हम तो उसी के उसके भी खिलाफ है, हम उसके भी खिलाफ है, कोई भी आदमी चाहे वो नायब सुबेदार हो या सुबेदार सुबेदार मैनेजर चाहे कोई भी हो, किसी के घर में सेवादारी सिस्टम नहीं चलना चाहिए, ये हमारे मांग है। सेवादारी सिस्टम में जो भी सिपाही वॉलंटियर जाता है वो तो मतलब कमजोर आदमी है, खुद कर्ज है। एक सिपाही को रेडी करने में गवर्नमेंट को कम से कम जो है 10-15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। ये 10-15 लाख किसका पैसा है, जो टैक्स भरते हैं उनके पैसे है, जिनके हाथ में बंदूक देना था उनके हाथ में आप लोगों ने जो है बूट पॉलिश पकड़ाया, इसके खिलाफ जब आवाज उठा रहे लोग तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम कहते कि नायब सुबेदार सुबेदार के घर में भी सेवादारी होता है, इसका मतलब तुम क्या अफसर की सपोर्ट कर रहे हो? दोस्तों एक ऐसा कीड़ा है हमारे बीच में जिसको जयचंद बोलते हैं ना, ये हमारे जो है बीच में जो हमारी एकता है उसको तोड़ने के लिए बीच में अभी फिर आना चाहता है। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, ये ऐसा कीड़ा है जो हमारे 2 साल का मेहनत को एक ही दिन में खराब करके सबको निकाल दिया था। जिस संगठन की वो जनरल सेक्रेटरी कहते हुए मतलब घूम रहा ना, उस सेक्रेटरी को क्या इसका बाप ने खड़ा किया? किसने किया उस संगठन को? जितने लोगों ने उस संगठन को खड़ा किया सबको इतना मतलब बेइज्जती करके सबको बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये अपना वहां पे जो दिखाना चाहता था कि मैं एक पढ़ा लिखा नायब सुबेदार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा नाम है मोहन रंगन, मेरा नाम हर एक स्टेट में हर एक सिटी में लोग जानते हैं। पूछो किसी से कि मोहन रंगन ने कितना पैसा तुमसे मांगा। हाँ लोगों ने दिया, मैं अभी भी बता रहा हूं लोगों ने दिया, वो संगठन के लिए दिया, मोहन रंगन एक अकेला आदमी के लिए नहीं दिया। तुम्हारे जैसे जो है घर में बैठ के ये लोगों का कमेंट पढ़ाने वाला आदमी मैं नहीं हूं। दोस्तों आज मुझे इतना दुख हुआ कि एक तरफ वो माफी मांग रहा कि जो भी मैंने कहा माफी है, गलती किया, माफी मांग रहा, और दूसरी तरफ ये अंदर आना चाहते हैं। अभी मैं कपिल और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अंदर लेके आना कतरे की घंटी से मतलब कतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जो संगठन है इनके जो पंजाब में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 9 तारीख अक्टूबर को क्यों नहीं गए थे,
वहां जाके पूछना था कि मकसद क्या, किस लिए कर रहे हैं। उस टाइम इनके मुंह में पता नहीं किसके मतलब ताला लगा हुआ था, कौन सी कंपनी का ताला लगा हुआ था। अभी मतलब ये कामयाबी होने के बाद अंदर आना चाहते हो। दोस्तों हमें हर एक संगठन चाहिए, ऐसे नहीं कि हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे संगठन है वहां पे कुछ कीड़े हैं, क्योंकि जिस संगठन में वो सेक्रेटरी है वो संगठन हमने बनाया, सार्जेंट एमबीसी मैनन ने बनाया, जेडब्ल्यू मुर्गेसन ने बनाया, आर्मी फ्लाइंग ऑफिसर कालरा साहब ने बनाया, पेटी अफसर एस के सिंह ने बनाया, जेडब्ल्यू मुर्गेसन सर, जेडब्ल्यू जयरामन, कार्पोरल संकरण, फ्लाइंग ऑफिसर एमपी शर्मा, सार्जेंट महानंदा विश्वास, हम लोगों ने मिलकर बनाया। सिर्फ उसका जो अभी जो चेयरमैन है वही एक आदमी था अकेला, बाकी सब हमारे थे, लेकिन हमने कोई उसमें पोस्ट नहीं लिया। और ये जो बंदा है एक साल के बाद अपना मेंबरशिप लिया, एक साल के बाद, और ये कह रहा कि मतलब मेरे बारे में इशारा कर रहा, मेरे बारे में, मेरा नाम लेके नहीं बताया, इशारा कर रहा, जो मतलब साउथ से एक बंदा है, साउथ से मैं हूं, मैं अभी भी कर रहा हूं यूट्यूब, मैं ओपनली कहता हूं कि भाई तुम मर्द के बच्चे हैं, अगर मर्द का औलाद है तो वो किसका है 25,000 रुपए, कौन है वो वीडियो बताओ। ऐसे ऐसे वीर नारियां जो मेरे को नाम से जानते हैं आज भी फोन कर रहे हैं, साहब अपना ख्याल रखना, हम आपके वीडियो देखते हैं, आपको मतलब खांसी बहुत आता है, अपना ख्याल रखना। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जिनके लिए हमने 20-25 लाख रुपए दिलाया, ये नालायक, इसको क्या पता है, गधा है ये। नहीं, मैं गधे को अपमान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि गधा भी कभी कभी है ना डंकी काम में आता है, गधे भी आते हैं काम पे, ये तो किसी काम का नहीं है, तोड़ना चाहता है जवान एकता को, इतना इतना कीड़ा है ये, कैंसर से भी ये बहुत बड़ा खतरा कीड़ा है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है, किसी बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे मजबूरन ये आज वीडियो उसके लिए बनाना पड़ा, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में अगर बात करता ना, मैं कभी इसके बारे में मैं ख्याल ही नहीं रखता या इसके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि जब गलियों में कुत्ता, गलियों में जो है कुत्ता भोंकते रहते हैं, उसके साथ हम नहीं भोंक, हम भी नहीं भोंकेंगे, लेकिन आज ये ऐसे बात कर रहा है कि अगर ये रहेगा तो इसको खराब कर देगा। दोस्तों अगर आप लोग जो है ये मुहिम 14 तारीख को अगर इतना सक्सेसफुल हुआ है तो इसका क्रेडिट सबको जाता है, सबको जाता है, जो जो महाराष्ट्र से आया है, जो बंदा जो है असम से, एक हमारे सार्जेंट है वेस्ट बंगाल से, कहां कहां से लोग नहीं आए थे, जो मतलब कहते हैं कि हमने चिट्ठी लिखा, हमने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख के क्या पुकार लिया। दोस्तों हमारे लंबा प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, मुझे अपनी जो है थोड़ा बहुत अंदर की जो गुस्सा था वो निकालना था मेरे को। क्यों गुस्सा निकालना था, क्योंकि ये हमारे एकता तोड़ना चाहता, इसलिए हम तो, हमें YouTube की जरूरत नहीं है किसी को मतलब गाली देने के लिए, हम तो ओपनली देंगे, लेकिन ऐसे कीड़ों से बच के रहना, क्योंकि ये कीड़ा जो है एक दिन जिस संगठन में बैठा है ना उस संगठन को भी तोड़ेगा। हम लोग 11 आदमी को बाहर निकाला, हमने इस संगठन को नहीं तोड़ा, हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा था, चाहे तो हम संगठन तोड़ सकते थे, लेकिन एक संगठन को बनाना आसान नहीं है लेकिन तोड़ना आसान है, इसलिए हम तोड़ना नहीं चाहते थे। अभी मैं इस YouTube के माध्यम से उस गधे को मैं चेतावनी दे रहा हूं, आगे से अगर मेरे बारे में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वीडियो निकालोगे तो फिर पूरा तुम्हारा संगठन का जो है शुरू से कहानी निकाल दूंगा, याद रख लेना। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
फिर से एक बार आप लोगों को दया दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।